गिर पड़े ना लाइक कहीं के डरपोक कहीं के चल के। तो आ गया, कैसे हो? पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की मीडिया पर हड़कंप मची हुई है, जिससे भी देखो अपना कद्दू जैसा मुंह लेके आ जा रहे हैं इंडिया के बारे में बोलने के लिए। तो मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया सबका पाप है। तो भाई अभी इंडिया ने जैसे ही पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह का दिखाई दे रही है। मेरा पोता इसकी गांध धोने के लिए पानी, तो सारे कारोबार ठप बनने वाले हैं पाकिस्तान में, तो चलेगा कौन सा? मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद साद। तारीख पर तारीख, तारीख पर नहीं नहीं सनी बाजी, यहाँ पर गधे पे गधा, गधे पे गधा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके फेवरेट देश पाकिस्तान के कुछ चड्डी चोर रिपोर्टर के बारे में। व्यू देख लें इन साहब का, ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म चले रहे हमारे घर में भाई बहन बदतमीजी कर रहे हो? ये जरा यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको, ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिपोर्टर के बारे में जो अपना काम करते वक्त थोड़ा हिंसक हो जाते हैं। कैदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी अब हटो भोतले की बात। अरे बच्चे अंकल की बात तो सुन लो, वो तो मोहब्बत के बारे में बात कर रहे थे। अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। और मोहब्बत के बीच में कोई आए ना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मरी हुई नानी का कच्चा हो, चाहे वो भोसड़ी वाले चच्चा हो, आदमी उसका गाड़ी फाड़ देता है। चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। मगर अपने अपना जो बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन। एक बार फिर से, गोली पर नहीं बोली पर यकीन। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहुत जल्द, बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा। कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना। बस कर पगले, रुलाएगी क्या? इतना कॉमेडी तो कपिल शर्मा शो में भी नहीं होता। फिर से बोलो, हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा। यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पार्टी में नहीं बुलाया जाता। तो चलिए देखते हैं। अरे गोरी तोरी चुनरी बाल लाल लाल रे, अरे गोरी तोरी चुनरी बाल लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।